सकते हैं, हमारे पास है टिकट। और आज हम आए हैं फरीदाबाद के सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में। तो आज हम आए हैं सूरज कुंड के फरीदाबाद मेला में, जो कि एक ऐसा इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जिसमें 20 से ज़्यादा बाहर के देश आए हुए हैं और साथ में हमारे इंडिया के कई सारे स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये है टिकट काउंट। कितने की टिकट और बच्चों की? एंड 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है, बाद बाकी सभी की पूरी टिकट लगेगी। और यदि आप कार में आ रहे हैं तो आपको ना 200 रुपए की पार्किंग भी देनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, जैसे होम डेकोर के बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिलेंगे जो कि आपको 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की रेंज में मिलेंगे। यदि आप अपने किचन के लिए क्रॉकरी ढूंढ रहे हैं और स्टाइलिश क्रॉकरी भी ढूंढ रहे हैं, जैसे कि चुंबक वगैरह ब्रांड जैसी या काफ़ी डिफरेंट, सो वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको हर तरह का होम डेकोर मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, यानी ये हाड़ी 250 रुपये में इजीली मिल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे देश आए हुए हैं, सो उनकी भी आपको अलग अलग कल्चर के क्राफ्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी सारी वैरायटी है, स्टेट की भी वैरायटी मिलेगी यहाँ पर, केरला से, नेपाल से। आप देख सकते हो ये ना, ये वाला स्टॉल है नेपाल का। और उसी के साथ यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ भी हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और इसको ना बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चलो इंजॉय करते हैं मेरे साथ सुंदर कुंड का ये मेला, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो जैसे ही हम एंट्री कर दें ना, वैसे ही आपको कुछ ये स्टॉल मिलते हैं, यहाँ पर आपको ये वाला क्लॉथ मिलेगा। कोई डेमो दोगे भैया? वर्क कर रहा है? बहुत बढ़िया। वाइट पूरे ही मेले में आपको इंडियन ट्रेडिशन के अलग अलग टाइप के कपड़े या फिर क्राफ्ट बहुत सारे देखने को मिलेंगे, चाहे वो लखनऊ कढ़ाई हो, चाहे कश्मीरी कढ़ाई हो, चाहे आपको प्योर कॉटन प्योर सिल्क लेना हो, या फिर आपको कश्मीर पश्मीना सॉल ही क्यों ना खरीदनी हो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत क्राफ्ट हैं। साथ में यहाँ पर टेबल रनर हैं, डेकोरेशन आइटम हैं। यहाँ पर टेबल रनर आपको इजीली मिल रहा है, 400 से स्टार्टिंग हो रही है और रेंज उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। सो यदि आप किचन आइटम्स भी ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट किचन आइटम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैजिक टॉवल जो कि आपको 120 रुपए में मिल रही है। साथ में यदि आप अपने किचन के लिए खूबसूरत क्रॉकरी ढूंढ रहे हैं, सो आपको यहाँ पर ना हर तरह की क्रॉकरी मिलेगी जो कि आपको वेट के अकॉर्डिंग मिल रही है। सो हमने थोड़ी सी क्रॉकरी देखी, और यदि ये ब्लू वाली प्लेट में आपको बताऊँ तो ये थी 350 रुपए की। यहाँ पर आपको कितने का पड़ेगा? 650 का। और ये वाली जो आरामदायक चेयर है, ये 2500 की है। साथ में यहाँ लगा हुआ है स्टीविया प्लांट, यानी आप यहाँ पर स्टीविया का प्लांट भी खरीद सकते हैं, और स्टीविया बिस्किट और शुगर फ्री बहुत सारे आइटम खरीद सकते हैं। देखो इस साइड ना बड़ा ही अमेजिंग सी चीज लगी हुई है, ये है छिपकली और चूहे भगाने की दवा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉडी मसाजर, जो कि बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैचमेंट के साथ आ रहा है। और यदि आपको खूबसूरत इस तरह के होम डेकोर आइटम चाहिए अफ्रीकन स्टाइल में, सो ये भी यहाँ पर आए हैं, बट इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, यानी आपके पॉकेट में अच्छे खासे पैसे होना ज़रूरी है। अब जस्ट इसके बगल में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ना आपको कुछ बच्चों के रूम या फिर बाथरूम के लिए बड़ा ही अच्छा सा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ना ये छोटे वाले पीसेस हैं 150 रुपये से लेकर 350 रुपये की रेंज तक। तो यदि आप बच्चों के बाथरूम के लिए या बच्चों के रूम के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप इस तरह के डिफरेंट से कुछ क्राफ्ट आइटम्स ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिसको आप पूरे मेले में इंजॉय कर सकते हैं और साथ में डांस भी कर सकते हैं। कितने का है?
अब दिखाते हैं हम आपको ये बॉडी मसाजर, जो कि केवल 4,500 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है, और इसको आप चाहें ना तो एक ट्रायल लेके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसको एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग पहुँचे इस ज्वेलरी स्टोर पर, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ज्वेलरी मिल रही है। सो यदि आप इस मेले में आने का सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी कीजिए, बिकॉज ये मेला काफ़ी जल्द ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर आपको ना नब्ज़ देखा कर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जा रही है। ऐसे आपको कई सारे स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक लुक और दिखाती हूँ मैं, जो आगे फ्रंट गेट का है। ये केवल और केवल जो अभी तक मैंने आपको दिखाया, ये फ्रंट गेट है। इसके पीछे भी बहुत सारे गेट हैं। सो थोड़ा जल्दी करें, और जब भी इस मेले में आए ना, तो थोड़ा टाइम लेकर आएँ, यानी 5-6 घंटे तो आपको बहुत ही ईजीली लग जाएंगे। सो थोड़ा टाइम लेकर आएँ, और कोशिश करें रात का टाइम आप उसमें इंक्लूड कर सके तो अच्छी बात है, बिकॉज लाइट के साथ ये और भी अच्छा लगता है। सो एक छोटा सा लुक पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेले का, कि इसमें आपको और भी लोकल जो स्टॉल लगी हुई हैं उस पर क्या क्या मिल रहा है। सो अब चलते हैं हैंड क्राफ्टेड की तरफ, जो कि साड़ी दुपट्टा सूट से रिलेटेड है। भैया क्या प्राइस है इस वाली का? 1000। सो इस तरह के हैंड क्राफ्टेड दुपट्टास भी आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स पर मिल जाएंगे। अलग अलग पैटर्न हैं, लेकिन ये दुपट्टा स्टार्ट होते हैं 1000 की रेंज से, और इसकी रेंज और भी ऊपर जाती है। उसी के साथ आपको होम डेकोर में और बैम्बू में काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। इवन आपको ये चेयर भी मिल रही है, जो आप लेकर जा सकते हो और अपने गार्डन को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हो। सो मेले का थोड़ा सा लुक और देने के बाद अब हम करेंगे वो एक्टिविटीज़ जो कि आप यहाँ पर फ्री में इंजॉय कर सकते हो। सो उसके बाद हम ना वो वाली एक्टिविटीज़ आपको दिखाने चलते हैं, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के अलग अलग स्टॉल हैं, जैसे कि एक बार आप राजस्थानी साइड पर घुस जाइए और दूसरी बार आप हरियाणा में घुस जाइए, तो आप इस तरह से अलग अलग स्टेट को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज को भी एंजॉय कर सकते हो, जैसे ये एक कंट्री डांस हो रहा है और एक कंट्री के कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी के साथ आप इनके डांस को एंजॉय भी कर सकते हो, और यदि आप थोड़े से शर्मीले हो तो एक साइड खड़े होकर आप देखकर भी एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा आगे चलने पर आपको कुछ अलग स्टेट का म्यूजिक और डांस देखने को मिलेगा। सो चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, तो एंजॉय करते जाना साथ में। इसी के साथ ना ये वाला डब्बा भी यहाँ पर रखा हुआ था, जिसमें आपको याद होगा बचपन में ना फिल्म मूव होती थी। सो आप बच्चों को ये एक्टिविटी भी करा सकते हो, साथ में हाथ से बुनाई कैसे होती है इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं, और हाथ से ऊन से धागा कैसे बनता है ये भी अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पूरा वीविंग प्रोसेस दिखा रहे हैं, हाथ से कैसे होता था पहले चरखे पर। सो ये सारा का सारा ना यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। यदि आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये देखो इस साइड ना ये धागा बन रहा है। चलो फिर एंजॉय करते हैं किसी और दूसरे स्टेट को। और इसके बाद हम लोग पहुँचे एक बहुत ही बढ़िया सी क्लासिकल गजल नाइट में। यदि आप भी गजल के शौकीन हैं और इस तरह की क्लासिकल म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट इसको ज़रूर एंजॉय करना। इस
इसके आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा हाथ से डाले गए पैटर्न्स का तरीका, कैसे कपड़े पर हाथ से पैटर्न्स डाले जाते हैं। और उसके बाद आपको ना बहुत सारी कंट्रीज़ दिखेंगी और उनके स्टॉल भी दिखेंगे, और यदि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम होती जाएगी, नज़ारे खूबसूरत होते जाएंगे, लाइटिंग बढ़ती जाएगी और साथ में आपको दिखेंगे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर आप बच्चों को और ख़ुद के लिए भी कुछ की रिंग्स भी बनवा सकते हैं। याद रहेगी उनको कि हम गए थे यहाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर बच्चों के नाम की की रिंग बनवाई। इसके बाद यदि आपको बीच बीच में थोड़ा सा भूख प्यास लग रही है तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा भी सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसके आगे बढ़ने पर हमें मिला एक बढ़िया सा एक फैशन शो टाइप कुछ प्रोग्राम, जिससे हमने थोड़ी देर एंजॉय किया और फिर हम आगे बढ़े आपड़ा घर पर, जहाँ की राजस्थानी कल्चर को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है और आप इसको बहुत एंजॉय करोगे। यहाँ पर आकर आप पगड़ी भी बनवा सकते हो और सेल्फी ले सकते हो, कुछ वीडियोस शूट कर सकते हो। सो आप इसको ना एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलना। और जो आपने 180 का टिकट लिया ना अंदर आने के लिए, वो आपको पूरा वर्थ लगने लगेगा। जस्ट इसके ही पास में यहाँ पर आप सीख सकते हो चाक चलाना, मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया जाएगा और आप इस चीज़ को डेफिनेटली ज़रूर एंजॉय करोगे। सो मैंने भी कोशिश की और बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया और इस एक्टिविटी को आप भी एंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ पर बड़ों और बच्चों दोनों के ही लिए करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो काफ़ी इंजॉय करोगे। एंड हम लोग भी गए थे नीतू और मोहित के साथ और हम सब ने मिलके बहुत सारी मस्ती की। इसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पर एक कठपुतली डांस, घूमते घूमते हमें भूख लगाई बिकॉज हमें 4 से 5 घंटे आराम से हो चुके थे और हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर बनवाई भेल पूरी, जो कि यहाँ पर मिल रही है 5050 रुपीज़ का 1 प्लेट। एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। साथ में यदि आपके पास वाटर बॉटल है तो यहाँ पर RO भी है, आप अपनी वाटर बॉटल को फिल कर सकते हो। और वॉशरूम का भी इंतज़ाम है जो कि काफ़ी साफ सुथरा है। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी हैं, काफ़ी अच्छा सा एक नॉर्मल जो मेला होता है, मेले वाले जो झूले होते हैं वो सारे झूले आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों को आप चाहें तो किसी भी तरह की राइड करा सकते हैं। एंड अब हम पहुँच चुके हैं झूले वाले एरिया में, तो हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ कराएँगे और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा लुक और दिखाती हूँ मेले का, कि मेले में और कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। सो आप देखो कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी कलर्स बहुत खूबसूरत होते जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप सेल्फीज़ ले सकते हो या फिर वीडियो शूट कर सकते हो। और साथ में अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के स्टॉल दिखा देती हूँ। साथ में आप देखोगे रात में नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे एंड कलर्स भी आपको और ज़्यादा ब्राइट और बहुत अच्छे लगेंगे। पूरे ही मेले में डेकोरेशन और क्राफ्ट आइटम आपको देखने को मिलेंगे। सो ये देखो, ये भी ना एक इंटरनेशनल स्टॉल है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स मिल रहे हैं, बट इसके एक बाउल की कीमत भी स्टार्ट होती है 1,500 रुपये से। उसके बाद हम चलते हैं एक इंडियन बिहारी स्टॉल पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर रेट भी बहुत ही रीज़नेबल है, यानी पॉट स्टार्ट हो रहा है 400 रुपीज़। इसके जस्ट पास में आप देखेंगे यहाँ पर कारपेट का एक बहुत ही बड़ा स्टॉल है और ऐसे स्टॉल आपको कई सारे मिलेंगे। यहाँ पर आपको डोरमेट 300 से लेके
10,000 रुपये तक की कारपेट और भी महंगी कारपेट आपको इजीली मिल जाएंगे। घर के यदि आपको छोटे मोटे आइटम्स जो नहीं मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। साथ में यदि आपको होम डेकोर के लिए इस तरह की स्टिक चाहिए तो ये 80 रुपये से 250 रुपये तक की स्टिक आपको मिल जाएगी। और आप चाहें तो आपको बहुत सारे मॉडर्न आर्ट क्राफ्ट या फिर मॉडर्न होम डेकोर आइटम्स भी यहाँ पर मिलेंगे। ओवरऑल एक छोटा सा व्यू देते हैं आपको और ये आपको मेला पूरा कैसा लगा है हमारे साथ घूमने में ज़रूर बताना, हमने तो बहुत एंजॉय किया। और ये इस तरह का यदि आप ट्रेडिशनल चेयर ढूंढ रहे हैं ना तो ये आपको 10,000 रुपये में पेयर मिल रहा है चेयर का। साथ में आप यहाँ पर ना इन डंडे वाले बाबा जी के साथ भी सेल्फी करा सकते हैं जो कि एकदम राजस्थान स्टेट में है। बच्चों को आप इस तरह के इनको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं याद आ रहा है, बट आप इनको भी इंजॉय करा सकते हैं जो आई थिंक हम लोगों ने बचपन में देखे होंगे। साथ में आप ये देखो टेबल रनर जो कि पूरे के पूरे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं 1,500 रुपये में अवेलेबल हैं। सो ये था आज का हमारा वीलॉग, कैसा लगा है जरूर